brought to you by Technospark 20 series smartphones. राहुल गांधी हमारे लिए राहुल गांधी है, ठीक है। रोजगार चाहिए तो राहुल गांधी को बुलाइए। एक मिनट, राहुल गांधी के नाम का भी इतना हल्ला क्यों मचा, वो बताइए। जी, किसी भी जाति धर्म के विद्यार्थी को आप खड़ा करके पूछ लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कांग्रेस का सरकार है। कारण है सबसे ज्यादा नौकरी कांग्रेस की सरकार में मिली है। रेलवे का वैकेंसी देख लीजिए, 5000 सीट आया है, जबकि हमेशा रेलवे को नौकरी का गढ़ माना जाता था। बच्चे का दुख दर्द कुछ नरेंद्र मोदी नहीं देखते हैं। लॉजिक समझ में नहीं। पकौड़ा बेचने को रोजगार बोलते हैं तो भीख मांगने को रोजगार बोलेंगे। मोदी जी कहते हैं हम राम को लाए हैं। अरे राम को लाए हैं, राम को किसी लाने का औकात है? राम पहले भी थे, आज भी है। 40 कुर्सी वहाँ पे लग गया और बुराई किसका कर रहे हैं? भारत का कर रहे हैं बुराई कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? हमारे भाई साहब अगर बोलते हैं कि हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारा देश खतरा में है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि धर्म खतरा में है। लालू यादव, उसका बेटा को देख लीजिए, तेजस्वी यादव, 17 महीना में 5 लाख। न्यूज़ तक नुक्कड़ इस वक्त पटना के मुसल्लमपुर पे हैं, जहां पर आप जानते हैं कि हम न्यूज़ तक नुक्कड़ की जितनी भी आपने एपिसोड्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि बेरोज़गारी, पेपर लीक और जो युवाओं को प्रभावित करते हैं मुद्दे, खासतौर पर लोकसभा का चुनाव है, वोटर जो है, खासतौर पर युवा वोटर क्या सोच रहे हैं, छात्र क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में है जो वोट डालने जा रहे हैं, क्या बेरोजगारी जैसे मुद्दे उनके मन में है या नहीं है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे यहाँ स्टूडेंट से। आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बढ़िया चल रही है तैयारी? जी मैम, अच्छी चल रही है तैयारी। क्या नाम है? प्रशांत। अच्छा प्रशांत, ये बताइए कि जो आजकल सबसे ज्यादा हल्ला जो है वो मचा हुआ है, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से, कि बेरोजगारी जो है वो एकदम चरम पर पहुँच गई है। जी मैम, बेरोजगारी तो खैर शुरू से ही रही है चरम से, अभी थोड़ा और ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे ये हैं जो देश में जो मोदी जी का नैरेटिव है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो ले जा रहे हैं, उससे भी वैकेंसीज भी काफ़ी कम आई है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकती हैं कि जो भी स्टूडेंट्स जो रेलवे की स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं, तो ALP की वैकेंसी आई थी अभी लगभग 5600 वैकेंसी। मतलब हमको लगता है कि लगभग 2% जितना वैकेंसी पहले आती थी उसके तुलना में बहुत कम वैकेंसी आई है अभी के डेट में। तो बेरोजगारी इससे भी रीज़न है, और इसमें बेरोजगारी बढ़ाने का एक और सबसे बड़ा तरीका है ना कि पेपर लीक्स का जो इशू आ रहा है। अभी हमने देखा कि यूपी में एग्ज़ाम था, यूपी कांस्टेबल का, अप्रोक्स 50 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और भी MP में भी लीक हुआ, फिर राजस्थान में भी, और अभी हाल में 4-5 दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ। हाँ। तो एक बहुत बड़ा इशू है बेरोजगारी बढ़ाने के, मतलब बढ़ने और पेपर लीक आपने कहा कि बहुत बड़ा मुद्दा है। आप पेपर लीक को लेकर राय जो है वो हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक यादव हुआ। किसका तैयारी कर रहे हैं? BPSC का। BPSC की तैयारी बढ़िया चल रही है? तैयारी बढ़िया चल रही है एकदम। चुनावी माहौल कैसा है बिहार में? चुनावी माहौल क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख लीजिए, नौकरी को देखते हुए बिहार पटना में ही जितना भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का वैकेंसी देख लीजिए, 5000 सीट आया है, जबकि हमेशा रेलवे को नौकरी का गढ़ माना जाता था। को हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में आता था, लेकिन इस बार 5000 सीट मात्र आया है। बच्चे का दुख दर्द कुछ नरेंद्र मोदी नहीं देखते हैं। उनका एक ही कहना है, प्राइवेट करो, बिजनेस करो। नरेंद्र मोदी किसके लिए ठीक हैं? जो धर्म के लिए चिल्ला रहे हैं उनके लिए ठीक है, जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए ठीक है, लेकिन पढ़ने लिखने वाले के लिए नरेंद्र मोदी ठीक नहीं है। किसी भी जाति धर्म के विद्यार्थी को आप खड़ा करके पूछ लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कांग्रेस का सरकार। कारण है सबसे ज़्यादा नौकरी कांग्रेस की सरकार में मिली है। नरेंद्र मोदी मिली है, दिए उन्होंने, दिए नौकरी दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा मुकेश अंबानी हो गया, ये सबको फायदा है। आपको क्या लगता है? अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो बेरोजगारी पे बात चल ही रही है, तो मोदी जी अभी एक जगह पे अपना स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई देश का युवा, जो यूथ है जैसे हम लोग हैं, अगर कोई शाम में पकौड़ा बेचकर 400 रुपया अगर कमा ले रहा है तो उसको तो रोजगारी में, अगर उनकी बात के हिसाब से चलें तो भीख मांगना भी रोजगार है। अगर हम भीख मांग के 400 रुपये रोज, उसको भी रोजगार श्रेणी में डालेंगे। तो उनका तो ऐसा लॉजिक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मतलब कहाँ से सोच के, मतलब क्या प्लानिंग करके बोलते हैं, कुछ लॉजिक समझ में नहीं। पकौड़ा बेचने को रोजगार बोलते हैं तो भीख मांगने को रोजगार बोलेंगे। मोदी जी कहते हैं हम राम को लाए हैं। अरे राम को लाए हैं, राम को किसी लाने का औकात है? राम पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन मोदी जी का कहना है कि हम मंदिर बनाए हैं, बाहर बैठ के कटोरा लो और भीख मांगो और नौकरी करो, वही रोजगार है। फूलचंदर बेटो राम मंदिर के पास खुश है या नहीं? रोजगार के मसले पर सरकार से खुश है या नहीं? बोल रहे हैं राम मंदिर बना, ठीक है, क्या राम मंदिर से वहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा? वहाँ पे होटल्स है, वहाँ पे लोगों के खाने जो कुछ रोजगार के लिए वहाँ कह रहे हैं कि टूरिज्म से टूरिज्म आएगा तो रोजगार मिलेगा। यहाँ पे टेम्पल सिटी, इंडिया किस लिए जाना जाता है? टेम्पल सिटी, टेम्पल इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। तो ये तर्क सही है। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर से वहाँ जो होटल होटल होंगे टूरिज्म से रोजगार मिलेगा, ये कह रहे हैं। वो सही है, टूरिज्म से रोजगार होगा, वो सही है, ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा है, जो मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ता है, तैयारी करता है, उसका परिवार जो है खेत बेच कर नौकरी करने के लिए पैसा देता है, वो टूरिज्म करेगा जाकर? वो तो नहीं करने आएगा। लेकिन बड़ा बड़ा बिजनेसमैन ही वहाँ पर बड़ा बड़ा होटल बना रहा है, रेस्टोरेंट बना रहा है। आप कह रहे हैं कि जो टूरिज्म वाली बात कर रहे हैं उसका भी फायदा एक तरह के लोगों को है, आम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट तो पटना में या फिर कानपुर में, इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा है। राम मंदिर बनता है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, हमारे आस्था जुड़ा हुआ उससे। लेकिन सबसे बड़ा मैटर है कि रोजगार मिला, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, होटल खुल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। लेकिन हम स्टूडेंट का, हम तो SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे क्या फायदा मिला? अच्छी चीज़ है, बनना चाहिए, लेकिन रोजगार उससे कोई क्रिएट नहीं हुआ। अगर ये भैया कह रहे हैं कि रोजगार क्रिएट हुआ, नो डाउट हुआ, लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें। अगर हम ये कह रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट, सवाल तो मुझे पूछने दीजिए, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि हमें कोई डायरेक्ट फायदा तो हुआ नहीं है मंदिर बनने से, उस पर क्या? डायरेक्ट फायदा नहीं हुआ। ये जो बोल रहे हैं कि अंबानी अडानी बड़े लोग आके होटल वहाँ पे बनाएंगे, तो होटल में काम कौन करेगा? वहाँ पे आम नागरिक ही काम करेगा। वहाँ पे एज ए वेटर हो, मैनेजर हो, वो मिडिल क्लास फैमिली से नहीं जाएगा। कोई अंबानी अडानी, रिलायंस, अनिल अंबानी कोई बेटा वहाँ पे जाके मैनेजर नहीं बनेगा। वहाँ पे वेटर कौन बनेगा? आम आदमी बनेगा। मैनेजर कौन बना? आम आदमी बनेगा। जो रूम वर्कर है कौन बनेगा? वहाँ कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि उससे भी रोजगार का साधन जो है वो शुरू हुआ है। आप ये बताइए, 10 साल आप लोगों ने मोदी को दिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को 10 साल मौका दिया है, इस बार किसको मौका देने वाले हैं? उनको दोबारा मौका देने वाले हैं या किसी और को? बस उनकी और राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी बिकॉज एक मिनट राहुल गांधी के नाम का भी इतना हल्ला क्यों मचा, वो बताइए। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी एक मिनट 30 लाख देंगे, हमको पूरा विश्वास है। इनका कहना है राहुल गांधी, ठीक है ना। एक बात बताइए, आप अपने घर का बुराई जाके पड़ोस के घर में कहिएगा? नहीं कहिएगा ना। क्या कह रहे हैं? आप अपने कोई भी हो, अपने घर का जो बात है, अपने घर कोई भी बुराई हो, पड़ोसी के घर में जाके कहेगा? नहीं कहेगा ना। राहुल गांधी क्या कर दिया? आते हैं अमेरिका, 40 बेंच 40 कुर्सी वहाँ पे लग गया, और बुराई किसका कर रहे हैं? भारत का कर रहे हैं बुराई, कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? नहीं है लोकतंत्र, है या नहीं है? ऐसा लगता है क्या? तो नरेंद्र मोदी जी भी तो बोलते हैं कि धर्म खतरे में है। हमारे प्रधान, अगर ये एक मिनट हमारे भाई साहब अगर बोलते हैं कि हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारा देश खतरा में है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि धर्म खतरा में है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, गवर्नर हिंदू है, तो धर्म कैसे खतरा में है? खतरा में धर्म नहीं है, खतरा में कुर्सी है। फिलहाल ये बताइए, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है कि नहीं? देखिए, बेरोजगार के साथ मैं कर रही हूँ ना रोजगार पर बात, आप करिए। स्टूडेंट का जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी के लिए, 1-2 साल से पेपर लीक का जो मामला आया है, वो या तो अथॉरिटी को फेल्योर दिखाता है, या तो गवर्नमेंट जो इस स्टेट में है उसका फेल्योरिटी दिखाता है। तो सबसे अच्छा ये बताइए कि इस बार मौका किसको दे रहे हैं? कांग्रेस को, आरजेडी को? देश में किसे मौका दे रहे हैं? देश में गठबंधन को सपोर्ट है। राहुल गांधी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी हमारे लिए राहुल गांधी है, ठीक है। रोजगार चाहिए तो राहुल गांधी को बुलाइए। स्टूडेंट के लिए राहुल गांधी एक बहुत अच्छा नेता है हमारे लिए। राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर काफी नाम सुनाई दिया, प्रभावित है आप लोग राहुल गांधी? जी, क्या किया है राहुल गांधी ने आपके? यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, पूरा केंद्र लेवल की हम बात करते हैं। केंद्र में पूरा इतना जनता है, उतना में पूरा एएलपी का सीट अगर देखेंगे तो मात्र 4000। वही तेजस्वी सरकार आया है यहाँ पे 17 महीना रहा है, सीधे 2 लाख वैकेंसी दी। आप बताइए किसका हम सरकार देंगे? हाँ, मैं स्टूडेंट ऐसा चीज होता है कि बूढ़ा के लिए भी सोचता है, बच्चों के लिए भी सोचता है और आदमी के लिए भी सोचता है। तेजस्वी का हम वोट देंगे, इतना जान लीजिए। क्योंकि अभी स्टूडेंट इतना भीड़ है, सबके घर में अगर एक घर का भी लोग अगर यहाँ पे वैकेंसी में अगर सेलेक्ट हो जाता है, कितना परिवार उसका चलेगा। और ये मोदी जी जो हैं, धर्म के नाम पर कृपया कर से आपसे रिक्वेस्ट है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। क्योंकि इतना जान लीजिए, आप केवल बहुत लोग जनता देखते हैं कि केवल जय श्री राम बोल बोल के सब लोगों को बरखा रहा, लेकिन इतना जान लीजिए कांग्रेस भी इतना है या तो फिर आरजेडी भी है, उससे भी बहुत बड़ा हम लोग एकदम राम भक्त है, इतना जान लीजिए। लेकिन झूठ का बात केवल राम और रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्याओं से कितने धर्म की बात नहीं है, रोजगार की बात है। जो रोजगार देगा वोट नहीं सरकार आएगा, जो रोजगार उसका सरकार आएगा। यहाँ कौन देगा रोजगार, यही तो सवाल है, कौन देगा? जो तीन महीने के लिए जो सरकार आया था वो 5 लाख रोजगार देकर के गया, वही सरकार देगा क्या? उनका कहना है कि बिहार में देख लीजिए, सब कहता है बिहार में सब कहता था जंगल राज है। उसी जंगल राज का नेतृत्व जो बोलता है लालू यादव, उसका बेटा को देख लीजिए तेजस्वी यादव। 17 महीना में 5 लाख। तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो पढ़िए। अगर जो बिहार में उनकी सरकार बनती है तो 15 अगस्त को आजादी के दिन 1 करोड़ नौकरी मिलेगा, 1 करोड़। ये इतना जान लीजिए, जो बिहार के युवा शेर है, उनका वादा है। बिहार के युवा शेर है, बिहार मतलब एक ही नारा, तेजस्वी यादव।